25 अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने अभिवादन मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसमें सड़कों पर पूरा हुजूम छाया रहा। युवा वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिस उत्साह का परिचय दिया वो काबिले तारीफ रहा। सांसद आवास से लेकर पूरे मुख्यालय पर इस रैली को निकाल कर प्रधानमंत्री के आवागमन का परिचय और स्वागत की तैयारी की। श्री राम के नारे और मोदी योगी के नारे से पूरा शहर गूंज उठा। सांसद जगदम्बिका पाल ने पूरे उत्साह से मोटरसाइकिल पर खड़े होकर प्रधानमंत्री के आने का अभिवादन करते दिखे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह युवाओं में जोश भरा है उसको देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कितनी खुशी का माहौल है। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार प्रधानमंत्री जिले को सौगात दे रहे हैं। अब हमारा जनपद आकांक्षी जनपद से अब अग्रणी जनपद की तरफ बढ़ रहा है, जो बहुत ही गौरव की बात है। सिद्धार्थनगर का उत्साह देख रहे हैं, आज पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रहा है भारत। सस्ती प्रधानमंत्री की 25 अक्टूबर जल्दी आए, जल्दी आए और हम पलक पावड़े बिछा के और उनका स्वागत करने के लिए पूरा सिद्धार्थनगर किस तरह से उत्सुक है आप देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक रैली होगी, ये गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ से उठा हुआ संदेश ही तय हो गया कि अब की जनमन की आवाज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। अखिल लगातार सौगातें मिल रही हैं, ये जिला आकांक्षा से अग्रणी जिला होगा।